हर रोज एक नई कहानी देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाना ना भूलें। घर में शादी की हलचल थी, चारों तरफ शादी की तैयारियां हो रही थी और वहीं एक तरफ माला अपनी बेटी अविका की शादी की तैयारियां कर रही थी। तभी वहां खाना बनाने वाला हलवाई आता है और माला से बोलता है, मैडम आपको कब से बोला है पानी खत्म हो गया है, पानी चलवा दो, बर्तन धोने हैं और उसके बाद शाम को खाने की तैयारी भी करनी है, बाद में फिर लेट हो जाएगा तो आप हमें ही बोलोगी। भाई साहब 100 काम होते हैं, भूल गई होंगी मैं, आप दोबारा भी तो याद दिला सकते हो ना। मैडम ये मैं आपको चौथी बार याद दिला रहा हूँ, अब आप खुद ही बता दो मुझे मैं आपको कितनी बार और याद दिलाऊं। तो मैंने भी तो आपको बताया था ना कि पानी खत्म हो गया है, मोटर चालू कर लेना। उल्टा चोर कोतवाल को डांटे, अरे आपने ये तो बोल दिया था कि मोटर चालू कर लेना, लेकिन ये तो बताया ही नहीं कि मोटर चालू कहाँ से होगी, और अब जब कुछ पता ही नहीं है तो कैसे करूँ मैं। अरे ये कैसे भूल सकती हूँ मैं, कोई बात नहीं भाई साहब मैं अभी जाकर मोटर चालू कर देती हूँ। हाँ मैडम जाइए जरा मोटर चालू करवाओ और थोड़ा जल्दी करवाओ। भाई साहब आपको पता है कि पानी की कितनी कमी हो रही है, इसलिए पानी को बहुत संभाल कर ही इस्तेमाल करना, फिजूल में पानी बर्बाद मत करना भाई साहब, ठीक है ना। अरे मैडम हम भी इस मोहल्ले में रहते हैं इसलिए हमें पानी की कमी के बारे में अच्छे से जानकारी है, हम तो खुद ये सोच रहे हैं पानी ज्यादा खत्म ना हो, और शादी वाले घर में पानी की जरूरत तो होती है। हाँ ये बिल्कुल सही कहा भाई साहब आपने, अच्छा मैं अभी जाकर पानी चालू करवाती हूँ, उसके बाद जल्दी से खाने का सारा काम संभाल लेना, कोई कमी नहीं होनी चाहिए। मैडम आप पानी तो चलवाओ और खाने की सारी जिम्मेदारी मेरी है, वो सब मैं संभाल लूँगा। बस इसीलिए तो आपको अपनी बेटी की शादी में हलवाई के लिए बुलाया है, एक ही मोहल्ले के हैं हम दोनों, आपकी भी बेटी जैसी है अविका, कोई कमी नहीं होने दोगे आप भी। जी बहन जी आप बात बिल्कुल सही बोल रही हो, अविका बिटिया की शादी अच्छे से हो जाए बस फिर क्या, हमें और कुछ थोड़ी चाहिए। माला पानी की मोटर चालू करने जा ही रही होती है कि तभी उसे दूसरा काम याद आ जाता है और वो उस काम में लग जाती है। अब शादी का घर है तो दौड़ भाग तो लगी ही रहेगी ना, तो ऐसे ही माला एक के बाद एक काम करती रहती है और उसी काम में पानी की मोटर चालू करना फिर भूल जाती है। थोड़ी देर बाद माला की बेटी अविका की हल्दी की तैयारियां होने लगती है, तभी वहां माला की पड़ोसन गीता अविका के पास जाती है और गीता अविका से बोलती है, अरे अविका बिटिया हल्दी के लिए रेडी हो गई तू? हाँ आंटी जी हल्दी के लिए मैं तैयार हो गई हूँ, बस माँ पता नहीं कहाँ है अभी। तेरी माँ तो अभी भी किसी काम में ही लगी होगी, उसे कहाँ ही फुर्सत है काम से। हाँ लेकिन अब उनकी बेटी की हल्दी है तो थोड़ा तो मेरे साथ भी समय बिताना चाहिए ना। अरे तेरी माँ ने मुझे यही देखने के लिए भेजा है कि तू हल्दी के लिए रेडी हुई या नहीं, अब तेरी माँ हर जगह तो खुद जाकर नहीं देख सकती है ना, इसलिए मुझे भेजा है। अच्छा मैं तो हल्दी के लिए तैयार हो गई हूँ, माँ आ जाए तो हल्दी की रस्म शुरू कर देते हैं ना। गीता अविका को बाहर लेकर आ जाती है और फिर अविका की हल्दी की रस्म शुरू हो जाती है। धीरे धीरे सभी लोग अविका को हल्दी लगाना शुरू कर देते हैं। कुछ देर बाद हल्दी की रस्म खत्म हो जाती है और थोड़ी ही देर बाद अविका नहाने के लिए जाती है कि तभी लाइट भी चली जाती है। अविका बिना नहाए बाथरूम से बाहर आती है और अपनी माँ को बुलाती है। अविका के पास माला और गीता दोनों आते हैं और अविका बोलती है, माँ लाइट कैसे चली गई और पानी भी नहीं आ रहा है नल में। हे भगवान मुझे तो हलवाई ने पानी का मोटर चालू करने के लिए बोला था, मैं दूसरे काम में लग गई और पानी की मोटर चालू करना ही भूल गई, अब क्या होगा। अब तो लाइट भी चली गई है, मोटर भी चालू नहीं हो सकती है, माला तू इतनी जरूरी बात कैसे भूल गई। गीता आंटी मैं आपके घर नहा लेती हूँ ना, आपके घर में तो पानी होगा ही। मेरे घर में तुम्हारे काफी ज्यादा रिश्तेदार ठहरे हुए हैं, इसलिए उनके नहाने में पानी सारा खत्म हो गया था और फिर मैंने भी पानी नहीं भरा टंकी में। बेटा मुझे नहीं पता था ऐसा कुछ होगा, माफ कर दे मुझे। आंटी जी आप माफ़ी क्यों मांग रही हो, इसमें आपकी गलती थोड़ी ना है। सारी गलती तो मेरी है, मुझे ही हलवाई ने बहुत देर पहले बोला था कि पानी का मोटर चालू कर दूं, लेकिन मैं बाकी के कामों में लगी रही और दिमाग से निकल गया, मेरी बेटी की शादी में पानी की कमी हो गई। माँ आप खुद को क्यों गलत बोल रही हो, आपको थोड़ी पता था ऐसा कुछ होने वाला है, हमें तो ये सोचना चाहिए कि इस पानी की कमी को पूरा कैसे करें। हाँ अविका सही बोल रही है, अविका बिटिया के नहाने के लिए तो पानी चाहिए, अभी सबसे ज्यादा जरूरी वो है क्योंकि हल्दी लगी हुई है, ज्यादा देर तक हल्दी लगी रहेगी तो अविका के चेहरे पे पीलापन दिखेगा,
हाँ हाँ कुछ तो करना ही पड़ेगा। अच्छा मैं देखती हूँ कुछ हो सके तो। माला बाहर से पीने का पानी मंगवाती है जिससे अविका नहा सके। जैसे ही पीने का पानी आता है तभी वहाँ से वो पानी माला की बहन नीतू बाथरूम में लेकर जाती है और खुद ही नहा लेती है। थोड़ी देर बाद नीतू नहाने के बाद वहाँ आती है और माला के पास जाकर बोलती है, अरे माला क्या है, शादी वाला घर है और पानी की कमी हो रही है। मैं नहाने भी गई तो जो अभी पानी आया था ना वो लेकर जाना पड़ा। पता है तुझे तेरी बेटी की शादी हो रही है, फिर कैसे लापरवाह हो सकती है तू। नीतू दीदी लाइट नहीं है, पानी की कमी हो रही है, तभी तो मैंने अविका के लिए पानी मंगवाया था। और दीदी आपने बिना पूछे वो पानी इस्तेमाल कर लिया, अब अविका कैसे नहाएगी। मुझे क्या पता था वो अविका के लिए पानी आया है। अरे शादी है घर में और मैं सुबह से नहाई भी नहीं हूँ, इसलिए मुझे वहाँ बाल्टी में पानी दिखा और मैंने नहा लिया। हाँ लेकिन अब अविका किस पानी से नहाएगी। अरे जहाँ से ये पानी मंगवाया था वहीं से और पानी मंगवा लेना। तुझे पता है शादी वाला घर है, घर में इतने मेहमान हैं, 100 काम होते हैं, पानी की जरूरत तो पड़ेगी ही ना। अरे पानी की कमी तो मोहल्ले में भी है, इसलिए इतने कम समय में पानी का इंतजाम नहीं हो पाएगा ना। बताओ अब ये कैसी शादी है भला। अरे शादी में खाने पीने की कमी तो सुना था, लेकिन शादी में पानी की कमी है ये तो आज पहली बार सुन रही हूँ मैं। यहाँ नीतू एक एक करके कमियाँ निकाल ही रही थी कि तभी हलवाई वापस आता है और बोलता है, मैडम मैंने आपको कब से बोला है कि पानी की मोटर चलवा दो, लेकिन आपने मेरी बात नहीं सुनी और अब लाइट भी चली गई है, अब बताओ काम कैसे होगा। देख ले माला शादी में पानी की कमी हो गई है, ये बात लोगों को पता चलेगी तो बड़ा मजाक बन जाएगा। अब जल्दी से पानी की कमी को पूरा करवा इससे पहले कि कोई और कमी आ जाए। माला की ये परेशानी खत्म हुई ही नहीं थी कितने में गीता आती है और बोलती है, माला कुछ इंतजाम हुआ पानी का, अविका बेटी की हल्दी भी साफ करनी है। मैं इतनी देर से कर ही तो रही हूँ इंतजाम, कुछ हो ही नहीं रहा है, अब मैं क्या करूँ। कहीं शादी में पानी की कमी की वजह से मेरी जगह साई तो नहीं हो जाएगी ना। बहन जी कब से बोला है मैंने आपको कि मोटर चालू करवा दो, अगर आप मेरी बात पहले ही सुन लेती तो कम से कम शादी में पानी की कमी तो नहीं होती ना। वही तो, अब लोग बाकी सबकी कमी तो फिर भी झेल ले, लेकिन पानी की कमी का क्या होगा। माला शादी में पानी की कमी को लेकर बहुत ही परेशान हो गई थी और उसे कुछ समझ नहीं आ रहा था कि वो अब क्या करे। सब लोग माला को पानी की कीमत को लेकर सुना रहे थे, मजाक बना रहे थे। इतने में माला का बेटा विक्रम आता है। विक्रम आते के साथ ही पहले जनरेटर का इंतजाम करता है और फिर माला के पास जाकर बोलता है, माँ मुझे अविका ने ना सब बता दिया, और आपने मुझे पहले कॉल क्यों नहीं किया था। आपको पता है ना कि मैं शादी तक आ जाता तो मैं ये सब काम भी देख ही लेता ना। मैं इतनी घबरा गई थी कि मुझे कुछ समझ ही नहीं आ रहा था, अब मैं क्या करूं। लेकिन अब भी परेशानी थोड़ी खत्म हुई है, अब भी परेशानी वही की वही है, पानी की कमी थोड़ी पूरी हुई है। माँ परेशान मत हो, मैंने पानी का टैंकर भी मंगवा लिया है और ना जनरेटर की मदद से मोटर भी चला दिया है। शादी में ना पानी की कमी जरूर हो रही थी, लेकिन अब आगे से ना पानी की बिल्कुल भी कमी नहीं होगी। अच्छा हुआ बेटा तू आ गया, वरना पता नहीं क्या ही होता, शादी में पानी की कमी कैसे पूरी करती। विक्रम के आने के बाद शादी में पानी की कमी पूरी होती है और कुछ समय बाद शादी की रस्में भी शुरू हो जाती हैं। एक दिन वरुण बिना बताए उसके घर आ जाता है और उसके कमरे तक पहुंचकर कमरे की लाइट्स जला देता है, जिसके बाद उसकी नजर कमरे की दीवार पर जाती है और जैसे ही वो देखता है तो उसकी आंखें फटी की फटी रह जाती है। शमिता की दीवार पर उन सभी लोगों की फोटोज थी जिन जिन का एक्सीडेंट हुआ था। उन सभी की फोटोज पर क्रॉस का साइन भी बना हुआ था। सबसे पहले निशी की फोटो, फिर क्लब वाले लड़के की फोटो और फिर उसका अगला शिकार था नकुल। अब कहानी की ओर। ऐसे ही एक दिन एक लड़की हाथों में मक्खी लिए एक रेस्टोरेंट के वेटर पर चिल्ला रही होती है और गुस्से में उस वेटर से कहती है, एक्सक्यूज मी आपकी इस रसमलाई में मक्खी निकली है। मैम मेरी बात को समझिए, ये मक्खी हमारे यहाँ की नहीं है, प्लीज। तुम्हारे यहाँ की नहीं है का क्या मतलब होता है। मतलब ये है मैम कि ये मक्खी हमारे होटल की नहीं है, जरूर आप ही से यहाँ लेकर आई होंगी। मैं पागल हूँ, जो पहले पैसे दूँ और फिर ड्रामा करूँ। चुपचाप मेरे पैसे रिटर्न करो वरना मैं शोर मचा दूंगी और सबको बता दूंगी तुम्हारे होटल की सर्विसेज घटिया है घटिया। ये है शमिता जिसे रसमलाई खाने का बहुत शौक है। वो इसीलिए एक रेस्टोरेंट में रसमलाई खाने आई थी।
लेकिन अचानक से उसकी नजर रस मलाई में पड़ी हुई मक्खी पर जाती है और वो गुस्से से वेटर को जोरदार थप्पड़ मारती है और उसको दो चार बातें सुनाने लगती है और फिर वेटर से गुस्से में कहती है, कितना घटिया होटल है ये और उससे भी घटिया है यहाँ के सर्विसेस। मैम प्लीज मुझे माफ कर दीजिए, इस होटल के ओनर को बुलाओ अभी के अभी। 5 मिनट के बाद उस रेस्टोरेंट का मालिक आता है और जब शमिता उसे देखती है तो वो बहुत हैरान हो जाती है और उससे बोलती है, अरे वरुण तुम। हाँ वैसे हुआ क्या शमिता, तुम इतना गुस्से में क्यों हो? वरुण शमिता का ही फ्रेंड होता है और वो अपने कॉलेज टाइम से ही शमिता से प्यार करता था पर कभी भी उसे अपने दिल की बात नहीं कह पाया था। साथ ही वरुण अब उस रेस्टोरेंट का मालिक भी था। दोनों एक दूसरे को ऐसे अचानक देखकर बहुत ही ज्यादा खुश हो जाते हैं और रसमलाई खाते हुए ढेर सारी बातें करते हैं। ऐसे ही अगली सुबह वरुण और शमिता सुबह सुबह एक दूसरे को फोन करके मॉर्निंग वॉक के लिए बुला लेते हैं। कान में हेडफोन लगाकर लोअर और टी शर्ट पहनकर वो दोनों वॉक करते करते ढेरों बातें करते हैं। तभी शमिता उससे कहती है, वरुण तुम मुझे लेकर क्या फील करते हो? तुम्हें लेकर यही फील करता हूँ कि जैसे तुम मेरी गर्लफ्रेंड हो। तुम्हारे साथ बिताया हर पल मुझे बहुत खास लगता है। दिल करता है तुम्हें हमेशा के लिए अपना बना लूं। हाँ वरुण, यही फीलिंग तो मेरे भी अंदर है तुम्हारे लिए और यही मैं तुमसे कब से कहना चाहती थी। आई लव यू वरुण। लव यू टू मेरी जान। इस तरह वो दोनों एक दूसरे से अपने प्यार का इजहार करते हैं। ऐसे ही एक दिन वरुण और शमिता दोनों कार में बैठकर कहीं जा रहे होते हैं कि इसी बीच वरुण के दोस्त निशी का उसे फोन आता है। तो वही शमिता का वरुण को इतनी देर तक किसी लड़की से फोन पर बात करना बिल्कुल भी पसंद नहीं आता तो वो गुस्से से वरुण का फोन छीन लेती है और फोन काट कर उससे कहती है, क्या लगा रखा है ये, क्या बात कर रहे हो इतनी देर से? अरे यार मेरी एक दोस्त है निशी, उसको कल कॉलेज छोड़ने जाना है। उसका भाई शहर से बाहर गया है इसलिए वो मुझे बोल रही है कि मैं उसको ड्रॉप कर दूं। कहीं नहीं जा रहे तुम, तुम्हारी दोस्त किसी और से मदद मांग लेगी, तुम्हारा जाना ज्यादा जरूरी है क्या? मैं जाऊंगा, वो मेरी दोस्त है यार और उसको मेरी जरूरत है। ऐसे ही अगले दिन जब वरुण निशी को छोड़ने के लिए उसका बस स्टॉप पर इंतजार कर रहा होता है तभी निशी का कॉल आता है कि उसका एक्सीडेंट हो चुका है। वरुण भागता हुआ उससे मिलने हॉस्पिटल जाता है और उसका हालचाल पूछता है। कुछ ही देर के बाद वो वहाँ से वापस आ जाता है। इसी तरह वक्त बीतता जाता है और वरुण शमिता से शादी कर लेता है। तो वही शमिता हमेशा से ही वरुण को लेकर बहुत ही ज्यादा पॉसेसिव रहती थी। जब भी कोई वरुण के पास आता या वरुण किसी से मिलता तो उसे अंदर ही अंदर बहुत ज्यादा जलन हुआ करती थी। ऐसे ही एक दिन वरुण शमिता को फोन करके उससे बोलता है, शमिता आज पूरी रात में तुमसे बात नहीं करूंगा। क्या, आखिर क्यों? यार मेरा दोस्तों के साथ क्लब जाने का प्लान है, मुझे थोड़ा एंजॉय करना है। मैंने कहा तुम कहीं नहीं जा रहे। अरे आखिर दिक्कत क्या है? वहाँ लड़कियाँ भी होंगी और मैं नहीं चाहती कि तुम्हें मेरी अलावा कोई देखे या फिर छुए। यार इतना ओवर पोजेसिव होने की जरूरत नहीं है, मैं तुमसे प्यार करता हूँ। ठीक है। इसी तरह रात हो जाती है और वरुण क्लब जाता है। वहाँ पर वो बहुत सारी ड्रिंक करता है और अपने दोस्तों के साथ खूब एंजॉय करता है। इसी बीच वरुण के हाथों से एक ड्रिंक एक लड़के के ऊपर गिर जाती है। वो लड़का वरुण से हाथापाई करने लगता है। वरुण के दोस्त उसकी लड़ाई छुड़वा देते हैं और वो लड़का वहाँ से चला जाता है। काफी देर के बाद जब वरुण क्लब से बाहर आता है तो देखता है कि जिस लड़के से उसकी लड़ाई हुई थी वो लड़का खून में लथपथ सड़क पर पड़ा हुआ है। वरुण उसे तुरंत हॉस्पिटल ले जाता है और उसका इलाज करवाता है। इसी तरह कुछ दिन बीत जाते हैं और वरुण का जिगरी दोस्त नकुल कुछ दिन के लिए वरुण से मिलने वहाँ आता है। नकुल और वरुण दोनों एक साथ बैठकर खूब बातें करते हैं और वरुण अपना काफी वक्त नकुल के साथ ही बिताने लगता है। ये सब देखकर शमिता के तन बदन में आग लगने लगती है। ऐसे ही कुछ दिन बीत जाते हैं और एक दिन वरुण शमिता को डिनर के लिए बाहर ले जाता है कि तभी अचानक उसके दोस्त का उसे कॉल आता है और वो बोलता है, यार वरुण मेरा छोटा सा एक्सीडेंट हो गया है, प्लीज तू जहाँ भी है जल्दी आ।
वरुण वहां से चला जाता है। ऐसे ही कुछ दिन बाद वरुण शमिता को खूब फोन करता है, बहुत सारे मैसेजेस भी करता है, लेकिन शमिता उसका कोई रिप्लाई नहीं करती। वो बिना बताए एक दिन उसके घर पहुंच जाता है और उसे पूरे घर में तलाश करने के बाद वो उसकी नज़र एक कमरे पर पड़ती है जिसका दरवाजा आधा खुला होता है और उसमें गहरा अंधेरा भी होता है। वरुण उस कमरे में चला जाता है और जैसे ही लाइट जलाता है तो उसके होश उड़ जाते हैं। उस कमरे की दीवार देखकर वरुण की आंखें फटी की फटी रह जाती है। शमिता के कमरे की दीवार पर उन सभी लोगों की पिक्चर्स होती हैं जिनका एक्सीडेंट हुआ था और उन सभी की फोटोज पर क्रॉस का निशान भी बना हुआ था। सबसे पहले निशी की फोटो, फिर क्लब वाले लड़के की फोटो और अब उसका अगला शिकार था नकुल। ये सब देखने के बाद वरुण जैसे ही कुछ करने की कोशिश करता है तभी वहाँ पर शमिता आ जाती है और वरुण उसे जोरदार थप्पड़ मारते हुए उससे कहता है, तो इसके पीछे तुम्हारा हाथ था? हाँ, मेरा हाथ है। जो भी मेरे और तुम्हारे प्यार के बीच में आएगा ना, मैं उसका यही हाल करूँगी। मैं तुम्हारे साथ नहीं रह सकता। अरे मेरा भी परिवार है, तुम तो उनको भी नुकसान पहुँचा दोगी। अरे तुम इंसान नहीं, चुड़ैल हो चुड़ैल। दूर हो जाओ मेरी नजरों से। नहीं नहीं वरुण, ऐसा मत करो, मैं तुम्हारे बिना मर जाऊंगी। तुम्हारे और मेरे बीच में जो भी आया, मैंने उनको उनके किए की सजा दे दी ताकि तुम मुझे कभी छोड़कर ही ना जा सको। और वो तुम्हारा दोस्त नकुल, वो जान से मरेगा। वो नीचे हॉल में तुम्हारा वेट कर रहा है और मैं जो उसे जूस देकर आई हूँ ना, उसमें जहर मिला हुआ है। जैसे ही वो जूस पिएगा वो मर जाएगा। वरुण जल्दी से शमिता को धक्का देता है और भागता हुआ नीचे चला जाता है, साथ ही नकुल के हाथों से जूस का गिलास छीनकर गिरा देता है और उसे सारी बातें सब सच सच बता देता है। तो वही शमिता भी खिड़की से कूदकर फरार हो जाती है, जिसके बाद नकुल और वरुण दोनों मिलकर उसके खिलाफ पुलिस कंप्लेंट करते हैं। थोड़े ही समय के बाद पुलिस शमिता को पकड़कर जेल में बंद कर देती है। इतना सब होने के बाद वरुण उसे डाइवोर्स दे देता है और हमेशा के लिए उससे अलग होकर अपने जिंदगी में आगे बढ़ जाता है। दोस्तों, अगर आपको ये कहानी पसंद आई तो इसे लाइक करें, शेयर करें और कमेंट करके बताएं कि कहानी में आपको सबसे अच्छा क्या लगा।